24। अभी मैं गीता चौहत्तर पूर्वी का दुधैला गांव में आया हूं। यहां के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उपेंद्र जी, 15 सालों में इंदिरा आवास, शौचालय, नल जल, पेयजल, ये सब विकास का किरण जो है आपके यहां कितना पहुंचा, बोलिए सर। हमारे पास 0% है, कोई चीज नहीं। मुखिया जी के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मुखिया जी के पास जाते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, कल आइए। कल जाते हैं तो फिर बैठिए, हो जाएगा। फिर बैठे बैठे 2 घंटा के बाद चलाइए तो फिर बोलेंगे कि जाइए फलाना दिन के आइएगा। कमाने खाने वाले आदमी है, कितना आदमी समय बर्बाद करके जाएगा, यही ना? यही बात बोल रहे हैं। एक चापा कल के लिए हम गए थे, जिस समय मेरा घर टूटा हुआ था, एक चापा कल के लिए गए थे उनके पास, तो बोले कि ना ठीक है, चापा कल मिल जाएगा, कि कल आइएगा। कल होके गए तो बोले का कि जाइए परसों आइएगा, ठीक है। इस तरह से करते करते हमको 2 महीना वो दौड़ा दिया, 2 महीना काम, यहाँ तक कि पूर्जी काट के दुकान में बैठा दिए। अच्छा, कि आपका लग जाएगा? हाँ, लग नहीं जाएगा, उठा के ले जाइएगा। अच्छा, कल वहाँ से बैठे थे कुर्सी पर, दुकानदार बैठा था, दुकानदारे के पास बैठे थे, वहाँ बैठे थे, फिर वहाँ से उठ के चले गए। हम बोले दुकानदार जी के, मुखिया जी पर्ची दिए हैं, दीजिए मेरा सामान, हम जाएं। हम कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो बोले हैं कि हमको बोल के नहीं गए हैं, वहाँ से उठ के आए हैं तो हम, मेरा चापाकल नहीं मिला। बताइए, 2 महीने के रीजन में अगर हम 500 प्रतिदिन कमाते हैं, 30,000 कमाते ना, तो मेरा 12,000 का रुपया का कल लगता है। फिर भी मेरा बचता ना 18,000 रुपया, लेकिन सब उसी में इन्वेस्ट हो गया। उस समय आपका बर्बाद, समय बर्बाद कर दिया, दिए भी नहीं। इस बार क्या मन बनाए हुए हैं? इस बार मन बनाया है सलेश मुखिया को वोट देना है। अरे तो बीच में सुनने में आ रहा है कि आप ही के गांव से है MBA पास मुखिया, सारा गांव वाला उन्हीं को। हाँ ठीक है, ये तो और बेटर मुखिया है, लेकिन कहने का मतलब भैया आपके अपेक्षा हम लगा दिए हैं, ठीक है, आपसे हम लगे हुए जुड़े हुए हैं, आपको आशा दिए हुए हैं। एक बैग हम आपको बोल दें कि नहीं आपको वोट नहीं देंगे तो कैसा लगेगा? हम मनोज बाबू तो नंबर 1 में है, अभी सलेह जी भी खड़ा है, उनसे भी नंबर 1 में है, लेकिन इनके लिए 6,000 रुपया का गमन का सुनने में आया, 6,000 हाँ मैंने मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ था, पैसा ना आते आते मैडम को फिर आया है पैसा मुखिया जी के पास। ना मनोज जी के विषय में कुछ बोलना हमको, जैसे मनोज जी जो बताए आप कि मैंने है पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो मनोज भैया को हमको यही कहना है कि ठीक है, ये चुनाव का माहौल है, इसमें ऐसा ना कि चुनाव बाद आप बढ़ जाइए, लगे रहिए, जनता के बीच में रहिए। हमको एकदम खुद है कि उनको पास नहीं जाएंगे, हम आप ही के पास आएंगे। आपका कार्यकर्ता देख के कैसे हम उनके पास जाएंगे, इन्हीं के पास आएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने जो लगे हुए हैं इसमें लगे रहे, जैसे जनता का सेवा कर रहे हैं करते रहिए, खुद अपने आप आदमी आकर्षित होके उनके पास जाएंगे और नेक्स्ट टाइम हम आइबे करेंगे उसके पास, ठीक है। आप उपेंद्र मुखिया तो दोगला है, वो बोलता है कि शाम को लाते हैं तो डोली लाते हैं, सुबह में कन्या लेके जाते हैं, वो दोगला कुत्ता है। हाँ बस यही कहना है, कोई भी आपके यहां कुछ उसको हम लोग घर आएंगे। हाँ उपेंद्र मुखिया, हाँ झाड़ू से मारेंगे उसको, कन्या ले गए दामाद खुजिया लिए जाए। उपेंद्र मुखिया बोलम ने, नल जल में पानी पहुँचता है घर में? नहीं हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग उधर जाते थे नहाने वो टोला, अब कल हम लोग को चापा कल अपने से करा दिया, शौचालय नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी। चुनाव में क्या मन बनाए हुए हैं, बदलाव चाहते हैं? हाँ चाहते हैं हम लोग, लाना चाहते हैं, अब जिनके गार्जियन चाहेंगे हम लोग भी चाहेंगे। इस तरह देख सकते हैं कि पूरे जनता दुधैला के हैं, जो मन बना चुके हैं कि वर्तमान उपेंद्र मुखिया हैं, बदलाव करना चाहते हैं उन्हें, और नया उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार को लाना चाहते हैं। खबरों के साथ बने रहें भारत न्यूज 24। धन्यवाद।